एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक पूरे भारत में जोड़ों के दर्द के 6 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स हो सकते हैं। अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि आयुर्वेद ये आंकड़े को कम करने में किस तरह से मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात करेंगे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, हमारे घुटनों की जो रचना है वो कुछ इस प्रकार की है कि हमारे जो घुटना है उसके बीच में जो दो हड्डियां है उसके बीच में सबसे पहले कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक साइनोवियल फ्लूड नाम के चिकनाहट जैसे जेली का स्त्राव होता है जिससे हमारे घुटने का जो ज्वाइंट है या कोई भी और ज्वाइंट है उसकी मोबिलिटी यानी कि उसकी मूवमेंट होती है। अब ये जो आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, घुटनों में घसारे की शुरुआत जो होती है, वो सबसे पहले साइनोवियल फ्लूड की कमी होने की वजह से वहां पे जो कार्टिलेज है वहां से शुरू होती है, और कार्टिलेज में डीजनरेशन यानी कि कार्टिलेज में घसाव शुरू होता है जिसकी वजह से घुटनों के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो स्पेस कम होने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने स्टेज है। सबसे पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द का जो सबसे पहला स्टेज है उसको कार्टिलेज डीजनरेशन कहा जाता है, जिसको हम आयुर्वेद के हिसाब से धातु क्षय कहते हैं कि जो धातु का क्षय होता है उसकी वजह से कार्टिलेज में घिसाव आता है, कार्टिलेज डीजनरेशन होने की वजह से जो है वो ज्वाइंट स्पेस कम होने लगता है। स्टेज टू में बोन डीजनरेशन होता है, मतलब कि जो अस्थि है, जो बोन है, जो हड्डी है उसका क्षय होने लगता है, वो कम होने लगता है और बोन डीजनरेशन होने लगता है। तीसरे स्टेज में इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि सूजन आने लगती है, सूजन आने की वजह से चलने में और बैठने में सारी मूवमेंट करने में जो है वो हमें प्रॉब्लम आने लगता है। और चौथे स्टेज पे अनबेरेबल पेन, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। ये 4 स्टेज में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफाइन किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। जोड़ों का दर्द होने का सबसे पहला कारण हमारा जेनेटिकल होता है, यानी कि आनुवंशिक, अगर हमारे मदर फादर या हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को जोड़ों का दर्द है तो हमें भी जोड़ों का दर्द आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, एजिंग यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आयुर्वेद के हिसाब से ओल्ड एज 50 ईयर्स के बाद की जो एज है उसको ओल्ड एज यानी कि वार्धक्य अवस्था कहा जाता है, और ओल्ड एज में नेचुरली बॉडी में वायु की वृद्धि होती है, उसकी वजह से हमारे जो घुटनों का जो स्पेस है उसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूड है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो सूखने लगता है, और उसकी वजह से जो है वो घुटनों के दर्द की और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो मेल और फीमेल के बीच में अगर एक रेशियो कंपेयर करने जाए तो फीमेल में 3 को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जोड़ों का दर्द होता है, तो उसके सामने 1 मेल को होता है, यानी कि 100 में से अगर देखने जाए तो 100 में से 25 जेंट्स को होगा, 25 मेल को होगा, तो 75 फीमेल्स को ये रोग होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनको जोड़ों का दर्द होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग गलत पोजीशन में बैठते हैं, मतलब के पलाठी लगा के, पलटी लगा के ज्यादातर जमीन पे बैठना, उकड़ू पोजीशन में ज्यादा बैठना, ऐसी पोजीशंस में बैठने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, मतलब घुटनों में कोई कारण की वजह से सूजन आने की वजह से भी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी ये रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा, कुछ इंजरी होने की वजह से, कुछ अभिघातक इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी होने के बाद लिगामेंट टियर हो जाता है, या तो फ्लैट फुट की जिन लोगों को समस्या है उन लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं उन लोगों की पूरी बॉडी का वेट उनके घुटनों पे आता है तो उनको भी घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि जोड़ों का दर्द अगर हमें हुआ है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसको सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है जोड़ों में दर्द होने लगता है, मतलब घुटनों में अनबेरेबल बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, और सुबह उठते हैं तो जकड़न महसूस होती है, या कभी बैठ के खड़े होते हैं तो जकड़न महसूस होती है और खड़े होने में तकलीफ होती है, पहले 2 से 4 स्टेप लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो चल सकते हैं, स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ने में भी पेन होने लगता है।
उसके बाद दूसरा स्टेज में दूसरा लक्षण देखने जाए तो स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग माने सूजन आ जाती है, घुटनों के आसपास सूजन आने की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है और वो जो पूरा घुटना जो है वो चल फिरने में या मूवमेंट करने में तकलीफ होने लगती है। फिर हम हमारी पूरी बॉडी का वेट दूसरे घुटने पे देने लगते हैं और उसके बाद वो लेग में भी जो है वो आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद अगर किसी को आर्थराइटिस है उसके घुटने पे हाथ रखकर उसके घुटने को मूवमेंट किया जाएगा तो उसमें से क्रेपिटेशन यानी कचकच नाम की कचकच जैसी आवाज सुनाई देती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम ये तकलीफ को लेकर ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो हमें पेन किलर, कैल्शियम और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी गाइड कर सकते हैं और लास्ट में आपको ऐसा कहा जाता है कि आपको TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट नाम की सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसमें आपके घुटनों को जो है वो चेंज किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा अवेलेबल है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में वायु के 80 प्रकार के रोग हैं, उसमें से एक रोग को जानुसंधिगत वात कहा जाता है, मतलब के जोड़ों का या घुटनों का दर्द। आयुर्वेद में सालों से इसकी चिकित्सा, हजारों सालों से इसकी चिकित्सा अवेलेबल है। आयुर्वेद के हिसाब से जब शरीर में वायु बढ़ाने वाले कारणों का सेवन होता है उसकी वजह से जब शरीर में हवा यानी कि वायु बढ़ जाता है, वायु के बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आयुर्वेद में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द है उन लोगों को लहसुन की कली लेनी है। 3 से 4 लहसुन की कली को आपको चॉप करके तिल के तेल में उसको भूंजना है, गर्म करना है और उसका रोज सुबह खाली पेट सेवन करना है, उससे आपका जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को पित्त प्रकृति है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है उन लोगों को 3 से 4 कली लहसुन को 1 कप दूध में रख के उसको बॉईल करके, आधा कप दूध जब बचता है तब उसको छान के उसको आपको क्रश करके वो दूध को सुबह खाली पेट पीना है। जिनको एसिडिटी रहती है तो दूध के साथ ले सकते हैं। आपने बबूल की फली के बारे में सुना होगा, बबूल की फली का पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, बहुत जबरदस्त जोड़ों के दर्द की दवा है। आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ 2 महीने तक इसका सेवन करना है, घुटनों का कैसा भी दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने सुना होगा ड्रमस्टिक, जिसको गुजराती में सरगवा कहा जाता है, और ड्रमस्टिक के जो पत्ते होते हैं उसको मोरिंगा लीव्स कहा जाता है। मोरिंगा का पाउडर आजकल मार्केट में मिलता है, आप मोरिंगा का पाउडर भी सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाना खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं, इससे आपके सारे पेन ठीक हो जाएंगे। सर्वाइकल लंबर या तो आपको घुटनों का दर्द है, एंकल पेन है, सब पेन इससे ठीक हो जाते हैं, घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है उन लोगों को क्या करना है, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल में 2 चुटकी सौंठ डालना है, सौंठ पाउडर, और 1 ग्लास गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त कम से कम 1 महीने तक लेना है, इससे भी आपको जोड़ों के दर्द में बहुत ही अच्छी राहत महसूस होगी। दोस्तों उसके बाद जो लोगों को घुटनों का दर्द है उनको दिन में सोना बंद कर देना है, लेट नाइट तक जागना नहीं है, बाजार का तला फूला ब्रेड जैसी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, जमीन पे फ्लोर पे बैठना बंद कर देना है, लेग को बेंड करके बैठना बंद कर देना है, पैरों को हवा में लटका के या लंबी ज्यादा देर तक खड़े रहना आपको नहीं है। अब आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करें तो पंचगुण तेल या तो गंधपुरा तेल, ये 2 तेल का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, पंचगुण तेल या गंधपुरा तेल, इसका आप घुटने के ऊपर जो है वो लोकल एप्लीकेशन तेल को गर्म करके कर सकते हैं। उसके बाद वालू का स्वेद यानी कि गर्म रेती का सेक आपको उसके ऊपर करना है 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, इससे भी आपको बहुत फायदा महसूस होगा। उसके अलावा अगर पंचकर्म ट्रीटमेंट की बात करें आयुर्वेद में तो आयुर्वेद में बताया गया है कि वायु के जो 80 प्रकार के रोग हैं वो सारे रोगों की आधी चिकित्सा जो है वो बस्ती चिकित्सा है। बस्ती चिकित्सा में 2 टाइप की बस्ती आप ले सकते हैं, लोकल घुटनों के जो पार्ट है वो लोकल घुटनों के पार्ट पे जानू बस्ती नाम की चिकित्सा हम कर सकते हैं। घुटनों के ऊपर आटे की क्यारी बना के उसमें गर्म तेल को भर के रखा जाता है जिसे जानू बस्ती कहते हैं, और हमारी जो एनिमा बस्ती होती है जिसको हम गुदा मार्ग से लेते हैं, बस्ती का आप कोर्स करके भी आपके जो शहर के नजदीकी आयुर्वेद कंसल्टेंट है उनको मिलके आप बस्ती चिकित्सा लेकर भी घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इन ट्रीटमेंट से फायदा ना हो तो आप लोग हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके वीडियो कॉलिंग से बात करके हमारे पास से भी जोड़ों के दर्द की दवाई मंगवा सकते हैं। हजारों पेशेंट्स ने हमारे पास पिछले सालों में जोड़ों के दर्द की ट्रीटमेंट की हुई है और काफी हद तक उन लोगों को रिलीफ मिला है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा
अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आइए दोस्तों अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।